संभाल कर ले, आवाज आ रही है। सीएम साहब, एजुकेशन में तो काफ़ी बात हो गई है, मेरा ये ख्याल है कि कोरोना जो है इस वक्त बहुत बड़ी वबा की सूरत में फैलता जा रहा है। सिंध ने जो है वो इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है। पहले जब लॉकडाउन हुआ था हुकूमत ने नहीं था लगाया पंजाब में, तो बाद में जो है हमें यहाँ पर लॉकडाउन में जाना पड़ा था। तो क्या ऐसी तजवीज़ जेरे गौर है कि आज भी इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दें ताकि कोरोना की वबा देरी से फैल रही है उस पर काम हो, और दूसरा जो सर्विसेज हॉस्पिटल से कोरोना की वैक्सीन के बारे में चोरी हुई है या वो किसी जरूरत को या किसी अहम शख्स के आपको लगाई गई है, उसकी जो रिपोर्ट है वो कब तक आने की तो इसकी तो इंक्वायरी हो रही है, वो जैसे ही आती है इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, वो एनसीओसी की गाइडलाइन के मुताबिक प्रोविंशियल कमेटी कोरोना बैठती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है, तो इंशाल्लाह वो हम डे टू डे चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, तो जैसे ही मुनासिब होगा हम वैसे फ़ैसले लेते जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ़ हो, उनको हम किसी मुश्किल में डालें, ताकि कारोबार भी चलता रहे और हम चीज़ों को भी मैनेज कर सकें। उससे सबसे अच्छा और आसान काम यही है कि SOPs को हम फॉलो करें ताकि हम किसी मुश्किल से बचे रहें। सैमसन ये फरमाएगा कि यकसा निज़ाम तलीम जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये मंशूर था कि यकसा निज़ाम तलीम होना चाहिए। पंजाब के अंदर जो है वो पांचवीं तक जो है वो उर्दू मीडियम में जो है आप